हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंप डिज़ाइन आइडियाज़। तो फ्रेंड, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो अब बात करते हैं रैंप की। है तो ये एक छोटा सा पार्ट ही है घर का, बट अगर आप इसको अच्छे से डिज़ाइन नहीं करोगे तो ये आपके घर के लुक को बिगाड़ भी सकता है और एनहांस भी कर सकता है। तो दोनों ही टाइप के रैंप डिज़ाइन इस वीडियो में दिए हुए हैं, स्टेयर एंड विदाउट स्टेयर। तो मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप विद स्टेयर ही रैंप बनवाएं, सेंटर में जो स्टेयर जैसे इस पिक्चर्स में है, क्योंकि विदाउट स्टेयर अगर आप रैंप बनाओगे और ऐसे रैंप पे बच्चे इजीली चल नहीं पाते हैं। तो और आपने जो मटेरियल अपने फ्लोरिंग पे यूज़ किया है वही मटेरियल आपको अपने रैंप पे यूज़ करना चाहिए। ग्रेनाइट और मार्बल के रैंप डिज़ाइन दिए हुए हैं यहाँ पे, और टाइल्स के भी रैंप डिज़ाइन हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेनाइट या मार्बल ही यूज़ करें रैंप पे, क्योंकि टाइल्स का जो रैंप एक बहुत ही हार्ड मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि टाइल्स जो है थोड़ी सॉफ्ट होती है और वो विद यूजेज वो टूट जाती है या कॉर्नर ब्रेक हो जाते हैं। तो आप ग्रेनाइट या मार्बल ही रैंप पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्यूरेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कीप वॉचिंग। बाय बाय।